Hello everyone, welcome all of you to my YouTube channel. So today we'll discuss about two penny stocks. जो दो penny stocks रहेंगे below 10 rupees. एक stock का price है 5 रुपये और दो number जो stock है उसका price है 10 रुपया लगभग. तो दोनों penny stocks में काफ़ी potential लग रही है अभी current price से, और दोनों stock को deeply analyze करके आपको बताएंगे कि stock में एंट्री लेवल, एग्जिट लेवल और टाइम जो हॉराइजन है, कितना समय के लिए आपको ये बाई करके रखना चाहिए. तो अंत तक बना रहिएगा, और अगर चैनल में नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जो पहला नंबर का जो स्टॉक है इसका नाम है कॉरपोरेट कुरियर एंड कार्गो लिमिटेड. इसका जो प्राइस है 10 रुपया 60 पैसा अभी मार्केट में आज ट्रेड कर रही है. ये एक्चुअली में लॉजिस्टिक का काम करती है, कुरियर सर्विस वगैरह प्रोवाइड करती है. रियल इस्टेट सेक्टर से जो है ज़्यादातर जो है ऑर्डर वगैरह लेती है. मार्केट कैप कंपनी का 7.5 करोड़ का मार्केट कैप है. करंट प्राइस 10 रुपया 60 पैसा और ये लिस्टेड है ओनली BSE में. स्टॉक का हाई एंड लो का अगर बात करें तो 2.96 रुपया का ऑल टाइम 52 वीक लो है और 10.90 रुपया का जो है 52 वीक हाई है. स्टॉक डिविडेंड नहीं देती है और स्टॉक का बुक वैल्यू जो है 1.21 का बुक वैल्यू है और बाकी जो ROE वगैरह जो है लगभग इन लाइन दिख रहा है. तो स्टॉक का जो अगर मैक्सिमम जो है प्राइस अगर देखें तो लगभग 18 रुपया में स्टॉक ट्रेडिंग किया करती थी लगभग 2018 में, और जो अभी जो है थोड़ा डाउन में चल रहा है, 10 रुपये में चल रहा है. और स्टॉक का अगर बात करें तो ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है ब्लू डर्ट, गति, कॉरपोरेट कुरियर ये जो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है उसका ये एक पेयर कंपनी है. स्टॉक का अगर नंबर्स का अगर बात करें तो सेल्स में देखिए पहले 2019 में जो है 2019 को सेल्स जहाँ नेगेटिव हुआ करती थी, अभी धीरे धीरे जो है सेल्स में इम्प्रूवमेंट आ रही है. लगभग अभी जो है दिसंबर क्वार्टर में एज कम्पेयर टू 2020 उस हिसाब से जो है सेल्स में जो है एक अच्छा तेजी जो है दिखा है. तो स्टॉक का अगर बात करें बोरोइंग का तो कंपनी लगभग डेट फ्री है. कंपनी में अभी 0.29 का ही ओनली डेट अभी है और ज़्यादा डेट कंपनी में नहीं है, तो लगभग इसको डेट फ्री कंपनी भी बोल सकते हैं. और स्टॉक का अगर बात करें इसका प्रोमोटर्स का तो प्रोमोटर काफ़ी कम है स्टॉक में. एज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का हिसाब से अगर बात करें तो रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, लेकिन पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक्स में थोड़ा तो रिस्क रहता ही है. तो इसमें पब्लिक का जो है शेयर जो है 94% ऑलमोस्ट पब्लिक का होल्डिंग है और ओनली 6% का होल्डिंग जो है प्रोमोटर के पास है. और जो है कंपनी ऐसे लाइन ऑफ सर्विस का हिसाब से कंपनी में काफ़ी पोटेंशियल यहां से दिख रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो लॉजिस्टिक रिलेटेड जो स्टॉक्स है उनमें काफ़ी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जो ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम वगैरह का जो लाइन ऑफ सर्विस का स्टॉक्स है काफ़ी उनमें जो है बूम ऑलरेडी दिख रहा है. तो ये जो स्टॉक है जो इसका कम से कम जो टारगेट प्राइस बैठ रहा है कम से कम मान लीजिए 30 रुपीज़ तक एटलीस्ट जो है साल भर में दिखाना चाहिए. और स्टॉक में अगर आपको होल्डिंग की अगर बात करें तो कम से कम आपको साल भर का एटलीस्ट होल्डिंग बना के आपको रखना पड़ेगा. साल भर का जो है टाइम हराइजन है और एज रिस्क थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन इसमें जो है एज इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो कम से कम जो है अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करना जो है ठीक रहेगा. ज़्यादा बल्क में इन्वेस्टमेंट अगर ना करें तो ही सही है. और दूसरा जो स्टॉक है ये स्टॉक है इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड. ये स्टॉक जो है पहले वाले स्टॉक से काफ़ी अच्छा है और स्टॉक एक्चुअली में काम करती है, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है NBFCs को. तो स्टॉक के पास पैसा भी है. देखिए जो स्टॉक है मार्केट कैप जो कंपनी का लगभग 500 करोड़ का मार्केट कैप है. करंट प्राइस 4.95 रुपया लगभग 5 रुपया का स्टॉक का प्राइस है और 52 वीक हाई एंड लो का अगर बात करें तो 0.38 पैसा का जो है लो है 52 वीक का और लगभग 13 रुपये का हाई है. स्टॉक का बाकी फिगर्स जो है लगभग इन लाइन तो बैठ नहीं रहा है. फेस वैल्यू 1 रुपये का है, डिविडेंड नहीं देती है कंपनी का. अगर 52 वीक का अगर चार्ट अगर देखें तो ये जो स्पाइक आप देख रहे हैं ये लगभग दिसंबर महीना में 2021 को दिखा था, उसके बाद अभी थोड़ा सा गिरावट कंपनी में दिख रहा है 5 रुपये का. तो ये स्टॉक में जो है पोटेंशियल यहाँ से दिख रहा है 22 DMA का ऊपर है और 50 DMA का भी ऊपर जो है कंपनी.
ट्रेड कर रही है और कंपनी लगभग डेट फ्री है। और इसका पेयर कंपनी को अगर देखें तो देखिए बजाज फिनेंस से लेके जो फिनेंशियल कंपनीज है उसको भी यहाँ पे जो है पेयर कंपनी में दिखा रहा है, क्योंकि कंपनी जो है एनबीएफसी को सॉफ्टवेयर जो है असिस्ट करती है, प्रोवाइड करती है। सेल्स फिगर का अगर बात करें तो देखिए सेल्स फिगर जो है एज कम्पेयर टू लास्ट जून जून 2021 ये जो है 2.5 2.5 2.25 यही जो है डेटा लगभग जो है स्टैग्नेंट, लगभग ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। तो सेल्स में कुछ खास ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिख रहा है। और ये अगर प्रॉफिट एंड लॉस का अगर बात करें तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में इसमें काफ़ी एक सुधार कंपनी में दिख रहा है। 2018 को अगर मार्च में देखें तो 10.55 2019 को अगर देखें 11.19 और यहीं पे अगर 2021 में वन में देखें तो 11.06 और अभी जो है 30 ये जो ये दिखा रहा है। तो इसमें जो है लगभग कंपनी जो है डेट फ्री है। बोरिंग में देखिए ओनली 0.30 का जो है डेट कंपनी का कर्जा बचा हुआ है। लगभग ये कंपनी को डेट फ्री कंपनी बोल सकते हैं। और कंपनी का जो है प्रोमोटर होल्डिंग की अगर बात करें तो प्रोमोटर का होल्डिंग यहाँ पे ओनली 16.44 का है और जो मेजर जो होल्डिंग है वो जो है पब्लिक के पास है। तो एज कंपेयर टू रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ये भी थोड़ा सा रिस्की तो है, लेकिन एज वी ऑल नो दैट पेनी स्टॉक ऑलवेज कैरी अ हाई रिस्क। तो इसमें भी ज़्यादा बल्क में इन्वेस्टमेंट करने का कोई इंटेंशन अगर ना रखे तो ही ठीक रहेगा। अगर छोटा इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे तो 5 रुपये का स्टॉक है, अगर टारगेट मान के चलेंगे तो 20-25 रुपये 30 रुपये आपको साल भर में दिखा सकता है। तो इसको भी आप देख सकते हैं, स्टॉक में पोटेंशियल यहाँ से दिख रहा है कंपनी में। और जो प्राइस है प्राइस हिसाब से और जो मोमेंटम जो पकड़ा है कंपनी ऑलरेडी ये जो है 52 वीक लो का करीब करीब जो है कंपनी जो 52 वीक हाई एंड लो का मिड में अभी चल रहा है। और कंपनी का जो है 50 DMA और 200 DMA का ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है।